इधर बाइक पार्क कर दिए, अपने WD-30 रखा है इधर, पता नहीं साथ में लेके जाया जाए या नहीं, इधर ही छोड़ते हैं। कोई नहीं, कोई लेके जाएगा तो उसका भला, ना लेके जाए तो उसका भला। सो इधर से लिया हमने भी ये कॉइन और हम भी ट्राई करने वाले हैं भाई, देखते हैं अपने लग कैसे है, हम उस क्लच के अंदर डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे, आई विश डाल पाए। ये क्या लिखा है इस पर, 1 रुपया। हम भी ट्राई करते हैं भाई। नो मिस, अगेन मिस। ओह बच गए रे। ये कॉइन जो लिया मैंने 50 रुपये के लिए, नेपाली करेंसी, बच गए फिर। ये इधर से वहाँ से ले सकते हैं आप, इधर हिंदी आती है, हिंदी यू नो हिंदी, तो वहाँ से ले लीजिए ना, ये चाहिए ना आपको, तो वहाँ से मैंने यहाँ से लिया है। यार इतने सारे सिक्के तो सब खत्म, एक भी नहीं गया भाई, एक भी नहीं गया यार, अपने नसीब में था ही नहीं, हमने अपना लक आजमाया, बाकी इधर नहीं गया भाई। क्राउड देखो भाई इधर भाई, कितना बड़ा घंटा है, और ये बांध रखा है देख रहे हो, ये इधर से कर रखा है लोग, बहुत बड़ा है भाई। ने राइट में छोटी छोटी शॉप है, दिख रहा है बहुत छोटी छोटी, इधर से यहाँ पे चेंज हो जाता है, जिस किसी को कॉइन चाहिए ना मंदिर के अंदर एंट्री लेते ही राइट हैंड पे कॉइन वगैरह मिल जाता है एक्सचेंज, जिसकी कॉस्ट है 50 रुपये नेपाली करेंसी। बाकी शॉप देखो भाई, ये कितने रुपये, वो चलता रहता है ये, कितने नेपाली और इंडिया, नेपाली नेपाली 800 ओके, बस कुछ शॉप है यहाँ तक, बाकी राइट हैंड से मंदिर के चढ़ने के लिए भी जगह है और उतरने के लिए भी, मगर अपन जाएंगे लेफ्ट से, क्योंकि उधर से लोग ज़्यादा उतर रहे हैं। ब्रो हाउ मच, हेलो ब्रो, 10,000 नेपाली, ओके 10,000 यार बहुत ज़्यादा है, अराउंड पता नहीं कितने का बैठेगा, ये भी शायद 600 6,500 रुपये का